हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं मिर्चों में से गुड़ाई करूंगी अच्छे से। इसमें घास ही घास उगा है, कहीं टमाटर उगे हुए तो हर कुछ इसमें उगा हुआ। तो आज करते हैं मिर्च के पौधों की सफाई। 4 से 5 गमले, जैसे आधे मेरे सूख गए थे तो इनका घास निकालती हूँ। अब मैंने सोचा इन्हें साफ़ कर लूँ 4-5 गमले। तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे मेरे ये मिर्च के पौधे। तो इसमें मैंने कुछ दिन पहले खाद डाली थी तो बहुत अच्छे से मिर्चें लग चुकी है, फ्लावर निकल चुके हैं इसके, मिर्च के फूल जो है निकल चुके, बहुत अच्छे से मिर्चें भी लग गई है। तो इसमें गुड़ाई करती हूँ अच्छे से और इसमें फिर पानी देती हूँ। घास ही घास उगा है, बहुत जल्दी उग जाता है आजकल घास। जैसे बरसात में कहीं बाथू उगा है तो कहीं टमाटर उगे, हर कुछ, और फिर कुछ फूलों के वो प्लांट्स उगे इसमें। तो आज करती हूँ मैं साफ इन्हें और धूप में रखती हूँ अच्छे से, फिर अच्छे से और ज़्यादा होंगे। प्रोनिंग की थी मैंने कुछ दिन पहले, जब अभी थोड़े थोड़े छोटे थे पौधे इसके, तो चोटियाँ इसकी तोड़ के फेंकनी है या कैंची से काट दो ऊपर से, फिर उससे पौधा जो आपका मोटा होगा और जो पौधा है मोटा होगा और खूब मिर्चें लगती है और इसके न्यू रूट्स भी निकलते हैं, अलग अलग टहनियाँ निकलती है। तो ऊपर से इसकी चोटियाँ ज़रूर तोड़े मिर्च की, जब फूल नहीं आए होते तभी तोड़ना, जैसे प्रोनिंग करते उस तरह से। तो आपकी मिर्ची जो है बहुत ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो इस तरह से अच्छे से गुड़ाई करके, खाद तो मैंने कुछ दिन पहले ही डाली थी, अब नहीं डालूंगी, और बाकी इनको धूप में रखती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इस पर एक वीडियो बना लूँ। और अब अच्छे से बढ़ते, थोड़ा थोड़ा देती हूँ पानी, बाकी धूप जरूरी है आजकल क्योंकि बरसात है, नमी ज़्यादा होने से भी ज़्यादा पानी भी नहीं देना है इनको, और बाकी धूप में ही रखना है। शाम सवेरे देती हूँ मैं पानी, जैसे छत्ते ऊपर तो बारिश का पानी नहीं आता है तो इसलिए 2 टाइम तो देना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी धूप तेज़ होती तो फिर सूखने लगते हैं तो पानी देना ही पड़ता है। इसमें से मैंने घास निकाल दिया, बिल्कुल साफ़ कर दी, अब बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए पौधे। अब इसमें मैं पानी दूंगी और धूप में रखूंगी, फिर बहुत अच्छे से मिर्चें लग चुकी हैं इसमें, कुछ लग रही है मिर्च। बस यही करना है कि जब थोड़ा छोटा होता है पौधा तो इसे ऊपर से कट करना है, चोटियाँ, सारी चोटियाँ कट करनी है। उसके बाद आपको क्या होगा, 2 गुना न्यू रूट्स आएंगे इसमें और मिर्चें दुगनी लगेगी इसमें भी, काफ़ी हो जाती है हरी मिर्च। अपना खाने का गुजारा तो जब भी मन करे ताज़ी ताज़ी निकाले। तो आज कर रही हूँ मैं मिर्च के पौधों की सफाई, तो ये देख सकते हैं आप, अब मैं गुड़ाई कर चुकी हूँ, अब इसमें पानी देती हूँ थोड़ा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मिर्च के पौधों की साफ करने की। ये देख सकते हैं फूल भी आ रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुई आजकल मिर्चें। तो गाइज कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं तो लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। Thank you.